Hi guys, my name is Ayush Jain. I secured rank 23 in NEET and rank 33 in AIIMS. So, assertion reason एक major part होता है. मतलब अगर आप 60 questions, 200 में से 60 questions जो है वो assertion reason के होते हैं. तो एक major part of the marks is decided by your assertion reason marks. तो हमें strategy अपनानी कि कैसे हम solve करें ये questions को. एक तो ऐसा है कि ये assertion reason जो है वो NEET में नहीं आते, सिर्फ AIIMS में होते हैं. तो AIIMS का जो 1 month का gap है उसमें आप assertion reason की frequency increase कर दीजिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब NEET की तैयारी कर रहे हैं जब आप ये questions ना करें, उस time भी करें, पर आप जब एक महीना जो है आपका NEET और AIIMS के exam होने के बीच में, तब उस time आप इन पर ज़्यादा focus करें, क्योंकि और सारे topics आपने पहले ही पढ़े हुए होते हैं. assertion reason ही ऐसे हैं जो कि आपकी rank भी बनाते हैं और आपने पहले भी इतनी try नहीं किया होता, तो आप उस एक महीने में इनको focus करें. सो अब मैं आपको tips and tricks बताऊंगा कि how to solve these questions effectively. पहले तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स होते हैं assertion and reason के, तो आप उन दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली देखिए. मतलब आप पहले assertion देखिए कि क्या वो स्टेटमेंट सही है, फिर आप देखिए कि reason जो है वो सही है क्या, as two independent statements. अगर आपको पता लगा है कि assertion is wrong, then आप reason पे आइए. reason अगर आपको right लग रहा है तो आप assertion पे एक और बार जाइए, क्योंकि ऐसा AIIMS की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि assertion is wrong and reason is right. तो इसलिए अगर आपको reason right लग रहा है तो आप assertion पे एक और बार जाइए और आप देखिए कि क्या वो सही है कि नहीं है. अगर वो सही नहीं है तो आपका ऑप्शन फोर्थ है, क्योंकि अगर assertion wrong है तो आंसर इज फोर्थ. इसलिए मैंने कहा आपको कि रीजन एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर रीजन गलत है तो assertion हमेशा सही नहीं हो सकता. अब सेकेंड पॉइंट ये है, अगर रीजन इफ रीजन इज रॉन्ग देन आपका ऑप्शन लाइज इन बिटवीन सी एंड डी. तो अगर फिर आपको चेक करना पड़ेगा assertion एक बार कि अगर assertion भी गलत है तो आपका आंसर डी है, अगर assertion ठीक है तो आपका आंसर सी है. अगर assertion एंड रीजन बोथ आर एनसीईआरटी लाइन्स, तो इसका ये मतलब नहीं है हमेशा कि ये दोनों, मतलब रीजन जो है वो assertion का ही रीजन है. टू इंडिपेंडेंट एनसीईआरटी लाइन्स भी हो सकती है. तो आप ऐसा नहीं जंप कीजिए, आप फर्स्ट आंसर पे जंप नहीं कीजिए कि इसका अगर दोनों एनसीईआरटी लाइन है और अगर मैंने ये एनसीईआरटी लाइन्स पहले देख रखी है पढ़ रखी है तो हमेशा आंसर वन होगा. नहीं, वो दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं ना, आंसर कुड बी टू. अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हमें पता लगता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो हमें ये लगता है कि इसका आंसर वन है कि टू. ये मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी एंड ये सबको प्रॉब्लम होती है कि आंसर क्या होना चाहिए, क्या ये इसका सही रीजन है कि नहीं. तो हमेशा ऐसे करिए, assertion पढ़ने के बाद आप बिकॉज या फिर दैट्स वाई लगा लीजिए. अगर आपने कोई स्टेटमेंट तक उसके आपने उसके आगे बिकॉज लगाया एंड फिर आपने उसका अगला स्टेटमेंट जो कि रीजन है उसको रीड किया, तो अगर वो बिकॉज में फिट हो रहा है देन योर आंसर इज फर्स्ट. अगर वो बिकॉज में फिट नहीं हो रहा है तो फिर आपका आंसर टू है. हर टॉपिक में 20 क्वेश्चन ईच होते हैं, फिजिक्स में 20, assertion reason, बायो में 20 एंड केमिस्ट्री में 20. अगर आपने ये 60 क्वेश्चंस मिला के जो हो जाते हैं, अगर आपने ये साथ में किए तो एक मोनोटोनसली आप ये सॉल्व करते रहते हैं ना, फिर बोर हो जाते हैं ना, आपकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है. तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अगर टॉपिक आपने फर्स्ट बायो उठाया तो आप बायो के assertion reason उनके साथ कर लीजिए, क्योंकि आपने फिर अगला मान लो आपने फिजिक्स किया, फिजिक्स के उसके साथ कर लीजिए. इससे एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आप उसी जोन में रहते, जैसे आपने बायो किया था बायो जोन में ही हो अभी, उसके बाद आपने उसके ही assertion reason किए तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो कि ये है कि नहीं. कभी कभार ऐसे रीजन हो जाते हैं जिनके हमें हवा नहीं लगती कि assertion तो ठीक है, हमको ये पता है, पर हमें ये नहीं पता होता उसका रीजन क्या है. और AIIMS वाले ऐसे हैं कि उनने रीजन भी फिट किए हुए होते हैं उस लॉजिक से कि हमें ऐसा फील होता है कि वही आंसर है, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है. तो अगर आपको उस रीजन के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इनमें बहुत ज़्यादा मतलब फील होती है कि हमें कि हमने उस assertion reason का आंसर अगर हम फर्स्ट कर देते तो सही हो जाता, सेकेंड होते तो फिर वो सही, इसलिए आप वो छोड़ दीजिए. फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें वर्ड देखे बिकॉज, ड्यू टू, तो इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप इनमें एनसर्कल कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है, यही लाइन्स जो है वो क्वेश्चन बन के assertion reason में आ जाती है. एंड अभी मेरे पास एम फॉर AIIMS की एक assertion reason की बुक आई है, इसको मेरे को रिव्यू करना है. इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके जो assertion है वो ही उसी के इसमें रीजन दिए हुए हैं. तो आफ्टर यू रीड अ चैप्टर इन एनसीईआरटी यू कैन रेफर टू दिस बुक. मतलब इससे आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे, इससे आपके कंसेप्ट जो है वो और स्ट्रांग हो जाएंगे. तो आप इसको अगर चैप्टर पढ़ने की बात करें तो आपकी ज़्यादा अच्छी आपकी उस चैप्टर में ग्रिप आ जाती है. पर इसमें एक ये बात है कि आपको फिर इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करने की वो आपको इसमें क्वेश्चन नहीं मिलते जिसमें आपको ऑप्शन लगाने हो 1, 2, 3, 4. इसके लिए आप एम फॉर AIIMS की एक बुक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए, तो वैसे तो आउट नहीं होते ये क्वेश्चन, पर एम फॉर AIIMS ने वो क्वेश्चन पूछ के, AIIMS ने जिनने पेपर दिया था उनसे पूछ के उनने वो क्वेश्चन जान रखे हैं, तो उसके अंदर इंटैक्ट क्वेश्चन होते हैं. तो आप इस बुक को, ये तो बुक सॉल्व करें, उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए कि आपका 1, 2, 3, 4 में कोई सा आंसर हो सकता है तो आप उसके लिए वो बुक कीजिए.
और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार एम्स में एम्स के पेपर में ऐसा हुआ था कि जैसे हमारी आदत है कि हम लास्ट ईयर के पेपर करते तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये होता है ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, पर इस बार ऐसा हुआ था कि इनने फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला जो स्टेटमेंट है उन्होंने फोर्थ ऑप्शन में डाल दिया था. मतलब आप फर्स्ट ऑप्शन में ये देख रहे हैं कि बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, आप फोर्थ ऑप्शन में देख रहे हैं कि ए एंड आर आर राइट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए. तो इस बार आप सारे ऑप्शन के साथ उनके जो लाइन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि कौन सा किसके करेक्ट है वो देख लीजिए ध्यान से.